नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अशोक कुमार मेहरा और मैं आज आपको ए मेरा दिल का प्रीलीड वाली पार्ट सिखाने वाला हूं और उसकी इंटरलीड। तो हम लोग कैसे बजाएंगे, बड़ा ही आसान तरीके से बताऊंगा और आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस करें। पहले तो मैं आपको म्यूट करना सिखा दूं, कैसे म्यूट करेंगे। हम लोग म्यूट कैसे करेंगे, अगर हम लोग इसको जस्ट टच करके रखें तो ये म्यूट हो जाएंगे और दबा देंगे तो बजने लगेंगे। तो इस तरह से म्यूट करेंगे तो जस्ट टच कर देंगे। तो हमें पहले म्यूट करना है, तो पहले तो मैं पार्ट को आपको बजा के दिखा देता हूँ। तो ये पहले वाली पार्ट है, स्टार्ट में बजती है। उसके बाद है बीच वाली इंटरलीड, वो कैसे बजेंगे। तो ये थी इंटरलीड। तो मैं आपको प्रीलीड वाली पार्ट बताऊंगा जिसे म्यूट करनी है। आप तो सबसे पहले जाने हैं फोर स्ट्रिंग में, फाइव फ्रेट बोर्ड में, इसे दो बार म्यूट बजाने हैं। उसके बाद फोर टाइम्स बजेंगे, तो ये हो गई पहले वाली पार्ट। अब आते हैं इंटरलीड वाली पार्ट में। तो इंटरलीड वाली पार्ट में कैसे बजाएंगे, हम लोग सबसे पहले जाएंगे फोर स्ट्रिंग में, थर्ड फ्रेट बोर्ड में, उसके बाद स्लाइड करेंगे फाइव फ्रेट बोर्ड में, उसके बाद आएंगे सेवन एंड एट, उसके बाद आएंगे नेक्स्ट थर्ड स्ट्रिंग में सेवन, उसके बाद आएंगे सेकेंड स्ट्रिंग में एट दो बार, उसके बाद सिक्स को एक बार, एट को एक बार, सिक्स को फिर एक बार, फिर एट को एक बार, फिर सिक्स को एक बार, उसके बाद फिर थर्ड स्ट्रिंग में जाएंगे सेवन को एक बार, फाइव को एक बार, उसके बाद जाएंगे थर्ड को एक बार, फाइव को एक बार, उसके बाद जाएंगे सिक्स को एक बार, फाइव को एक बार, थर्ड को एक बार, उसके बाद जाएंगे फोर स्ट्रिंग में फाइव को एक बार, उसके बाद जाएंगे थर्ड स्ट्रिंग में थर्ड को एक बार, सिक्स को एक बार, फाइव को एक बार, थर्ड को एक बार, फिर जाएंगे फोर स्ट्रिंग में फाइव को एक बार, थर्ड स्ट्रिंग में आएंगे फिर थर्ड को एक बार, सिक्स को एक बार, फाइव को एक बार, और फिर थर्ड को एक बार, उसके बाद फिर जाएंगे फोर स्ट्रिंग में फाइव को एक बार, थर्ड को एक बार, और फाइव को एक बार। तो ये हो गए इंटरलीड वाली पार्ट। तो आप इसे ज़रूर प्रैक्टिस करें, मैंने बड़ा आसान तरीके से बताया है और मुझे यकीन है आप अगर मेरी लिखी हुई लेसन को अच्छी से ध्यान से देखेंगे तो आप ज़रूर बजा पाएंगे। और बहुत ही इजी है, आप आराम से धीरे धीरे प्रैक्टिस करें, कोई मुश्किल नहीं है। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में एक नई लेसन के साथ। तो थैंक यू वेरी मच, इसे ज़रूर प्रैक्टिस करें।